हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। आज की ब्लॉग पर आपको स्वागत है। सबसे पहले तो आज हैप्पी न्यू ईयर है और इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा शायरी लिखा है रात भर जाग के। तो शायरी कुछ इसी प्रकार का है कि अर्ज किया है, नए दिन में और नए साल में स्वच्छ और निर्मल आपका मन, नए दिन में और नए साल में स्वच्छ और निर्मल आपका मन, इसी निर्मल मन से आप ग्रहण कीजिए मेरा अभिनंदन। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, 2022 वाला साल है और इसी साल आप सब बहुत अच्छे से रहें और आपकी सबकी घर धन दौलत से भरे या ना भरे, पर आपका दिल साफ हो और आप हमेशा हंसी खुशी में रहे। तो इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में चेहरे में मुस्कान होना चाहिए, इसलिए कहता हूँ कि कीप स्माइल ऑलवेज। कुछ भी हो जाए आप हंसते रहिए इस साल को, तो इस साल को तो हम एंजॉय करेंगे और उससे उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉग। आज की जो ब्लॉग है वो है इस न्यू ईयर के दिन मैंने एक मोबाइल लेने का फैसला किया था, तो चलिए चलते हैं एक मोबाइल ले ले अपने टाउन। तो चलिए आज की ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं और मेरे चाचा जी के बेटे हम जा रहे हैं टाउन, यहाँ से टाउन 20 किलोमीटर होगा और वहाँ से एक मोबाइल लेंगे। और अभी गाड़ी धक धक कर रहा है क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं है, हम गांव से तेल भरना भूल गए गाड़ी में, आगे अभी तेल डालना पड़ेगा कहीं पे। और यहाँ अभी हम स्टॉपेज किए हैं, यहाँ एक तेल का दुकान है लेफ्ट साइड में, तो चलिए चलते हैं उस दुकान में। अभी हम आ गए हैं जीजा जी के घर में और यहाँ बच्चे नाच रहे हैं और चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ इसलिए आए हैं कि आज यहाँ पर एक पूजा होगा, पता नहीं रात में कौन सा पूजा होगा, तो गांव से हम फूल लेकर आए हैं 108 फूल, लाल मंदार फूल, तो इसलिए हम देने आए हैं, आ रहे थे तो ले आए। और इस साल 3 क्रिकेट टूर्नामेंट जीजा जी ने जीता है और ये देखिए ट्रॉफी, 3 ट्रॉफी क्रिकेट की। और अभी हमारे लिए मेरी दीदी मैगी बनाएगी, मैगी खाएंगे हम, आए हैं तो कुछ तो खा के जाएंगे गांव से इतना दूर। और यहाँ जीजा जी फूल गिन रहे हैं 108 और कितना सब बेल पत्थर, ये बहुत सारे फूल होते हैं। और ये चलते हैं, ये है भगवान के घर जहाँ पूजा होता है। और यहाँ जो साईं बाबा बैठे हुए हैं, जो उनकी मूर्ति है, हम उन्हें शिरडी से लाए थे बाबा जी को,
बहुत प्यार से बैठे हुए हैं बाबा, और यहाँ मेरी दीदी मैगी बना रही है। अभी खाएंगे, उसके बाद जाएंगे मोबाइल खरीदने जाएंगे। और मेरा भाई तो खाना स्टार्ट कर दिया है, और ये जो मेरा भाई है ये खाता बहुत है, फास्ट फूड इतना खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। और उसके जातक में भी यही है कि इसको पेट की कोई समस्या होगा फ्यूचर में ज़रूर। अब चलिए चलते हैं मोबाइल की स्टोर में। अभी हम आ गए हैं मोबाइल की स्टोर में, और यहाँ मेरे एक भाई है, दोस्त है आलोक, उससे हम मोबाइल लेंगे। और मेरा दोस्त मेरे लिए कोई अच्छा सा मोबाइल सिलेक्ट करके रखा हुआ है। मैं अभी मोबाइल ज़्यादा देखूंगा नहीं, वो जो भी रखा होगा वही लेके चला जाऊंगा। और ये देखिए, मेरे लिए ये रियलमी 8 सिलेक्ट किया है। और अभी चले चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये फ़ोन में एक फ्री दिया है, एक बैक कवर, बहुत ही स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है। और ये उसका चार्जर है, और ये 25 मिनट में चार्ज फुल कर देगा, ऐसे तो बोलते हैं। और आलोक अभी एक फ़ोटो क्लिक करने गया है बैक कैमरा से, देखते हैं कैसा फ़ोटो है। फ़ोटो तो भाई ज़बरदस्त है, तो देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर में। मैं ज़्यादातर फ़ोन को एक्चुअली ब्लॉग के लिए, मतलब कम बजट में लिया हूँ फ़ोन। और पहले जो फ़ोन था वो इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी नहीं था, तो इसलिए मैं स्पेशल इसीलिए ही लिया हूँ ये फ़ोन। और दोस्तों, जो फिंगर से अनलॉक होता है स्क्रीन में, बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी फ़ोन का काम ख़त्म हो गया, अभी हम आ गए हैं यहाँ। मेरा भाई वो जिद किया कि गुपचुप खाऊंगा, और भाई आप विश्वास ना करेंगे, वो 50 रुपया गुपचुप खा गया, और मैं थोड़ा सा मीठा गुपचुप खाऊंगा 10 रुपया। खा खा भाई खा, तेरे जातक में पेट का रोग है, ये याद रखना। खाने के बाद काम ख़त्म, अभी जाएंगे घर। और उससे पहले हम पेट्रोल नहीं डाले थे आते वक्त, अभी हम पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद सीधा घर। और अभी पेट्रोल डालेंगे और फिर काम ख़त्म, फिर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग का करते हैं यहीं पर द एंड, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग में। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूलिए। और दिल से यही दुआ है कि इस 2022 वा साल आपके परिवार को बहुत ही खुशी और प्यार से भर दे, यही भगवान साईं बाबा के पास मेरी आपके लिए दुआ है।